मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हों आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। लेसन हम स्टार्ट करते हैं, लेसन नंबर 5 दोहे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 28 पर। आगे के वीडियो में हमने कबीर जी और रहीम जी के दोहे का अर्थ भी समझ लिया है। आज हम तुलसीदास जी के दोहे देखेंगे पेज नंबर 29 पर। तो तुलसीदास जी का जो पहला दोहा है, आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे मेघ। तो इस दोहे के पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। आवत यानी आने पर, ही यानी हृदय, हर्षे प्रसन्न होता है, नयनन यानी नयन नेत्र आंखें, स्नेह स्नेह प्रेम, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और उन जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। तुलसीदास जी अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले ही सोना बरसता हो, फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते। क्योंकि अगर किसी के घर हम जाते हैं और अपने प्रति उनके लिए हर्ष नहीं है, कि वह खुश नहीं होते कि हम आए हैं, तो ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। भले ही उनके घर में कितनी सोने की वर्षा यानी कि इतनी जाहो जलाली हो, इतने रुपये हो, भले ही ऐशो आराम के सभी वहाँ पे उनके घर में सभी साधन हो, पर फिर भी अगर वो हमें प्रेम से आवकार नहीं दे सकते, तो ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। आगे दूसरे दोहे में तुलसीदास जी ने कहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। शब्दार्थ हम देखते हैं, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या धन और उद्यम यानी कि परिश्रम, कहो यानी कि कहिए बताइए, जो यानी कि जो पावे पाता है, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। जो जैसे पौन का अर्थ है पवन हवा। तो इस दोहे का अर्थ है कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया हो, हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। इस दोहे में परिश्रम का महत्व बताया गया है कि परिश्रम, मेहनत करेंगे तभी हम विद्या पा सकते हैं। विद्या पाना हो तो आपको पढ़ाई के लिए भी आपको मेहनत तो करनी होगी। अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तभी आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। अगर एग्ज़ाम के टाइम आपने मेहनत नहीं की, कुछ पढ़ा नहीं, तो क्या अच्छा रिजल्ट आएगा? तो इसी के लिए भी आपको परिश्रम मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी विद्या मिलती है। और धन के लिए भी मेहनत ज़रूरी है। मेहनत करेंगे तभी धन मिलेगा। कोई भी आप जॉब करते हैं या कोई भी आप धंधा हो, उसके लिए मेहनत करोगे तभी उसमें से आप धन कमा पाओगे। और उद्यम के बिना
किसी को कुछ नहीं मिलता, विद्या धन ये सब भी परिश्रम करने पर ही मिलता है। और आगे इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं चलती। यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी ने हवा के लिए ऐसे पंखे की बात की है जो हाथों से हिलाकर हवा लेते हैं। आज भी अगर आपको फैन ऑन करना हो तो हाथ से स्विच तो ऑन करनी ही होगी, इतनी तो मेहनत आपको करनी होगी तभी आप पंखे की हवा पा सकते हैं। तो इसी प्रकार कुछ भी अगर हमें प्राप्त करना हो तो सभी में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तभी उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये हमारा जो लेसन 5 है, दोहे कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास जी के दोहे देखे। सभी दोहे में से हमने बहुत से जीवन मूल्य जैसे कि दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, तो ऐसे जीवन मूल्यों का जो महत्व बताया गया है उसके बारे में जाना। तो लेसन यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य भी आपको कंप्लीट करना होगा।